जमीन के लिए देवन ने भाभी को उतारा मौत के घाट। बुलंदशहर में करोड़ों रुपए की 40 बीघा जमीन के विवाद के चलते देवन ने भाभी को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया और आरोपी की गिरफ्तारी लेकर घंटों तक उठाने नहीं दिया शव। हालांकि पुलिस ने हत्या आरोपी देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क पर खून और घाट पर पड़ा शव यूपी के बुलंदशहर के गाँव ईसापुर में रहने वाली 45 साल की सुरेश देवी का है, जिसकी हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके ही देवर यशपाल पर है। दरअसल बुलंदशहर के गांव इसपुर में 40 बीघा जमीन को लेकर यशपाल और उसके भाई कुंवरपाल के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते निपटारा न होते देख आज यशपाल ने खेत पर अपनी भाभी सुरेश देवी को ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार डाला और मौके से फरार हो गया, जो कि पुलिस अब हत्या आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रही है। बैडतुल श्रीवास्तव, SPCT बुलंदशहर। रिपोर्ट समीर खान, NDB टाइम ब्यूरो चीफ, बुलंदशहर। सर, एक गुलाबी थाना क्षेत्र में बता रहे 40 बीघा करोड़ों रुपए की जमीन के विवाद में देवर ने भाभी की हत्या की है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, ये पारिवारिक विवाद है, दो भाइयों के बीच का विवाद चल रहा था। इस विवाद में ये आरोप लगाया गया है कि एक भाई ने अपनी भाभी के ऊपर ट्रैक्टर से एक्सीडेंट करके उसकी हत्या कर दी है। तहरीर प्राप्त हो रही है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे प्रकरण की गहन जाँच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना घटित हुई है, घटना की सत्यता क्या है, और इस घटना की जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की। अभी तक किसी गिरफ्तार हुई है? जो जिस पे आरोप लगाया गया है वो फरार है, हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूरे प्रकरण की सत्यता की को प्रकाश में लाया गया। अभी तक क्या वजह? अभी तक जो इनका है पारिवारिक विवाद चल रहा है, ये बात प्रकाश में।